गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आ चुका हूँ आप सभी दोस्तों के सामने और उपस्थित हूँ दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं और प्री बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एक महत्वपूर्ण और दमदार वीडियो। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं जो भी पढ़ेगा 100% दोस्तों गारंटी है पास की। और जो दोस्त जितने भी सेट हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं उनको यदि लगा लेगा तो इन प्रश्नों को पढ़ने से 90% बनाओ। बिल्कुल दोस्तों, यदि इन सारे ही सेटों को तुम लगा लोगे तो बिल्कुल दोस्तों कोई रोक नहीं सकता आपके 90% से। ठीक है, बस उन सेटों को आप क्या करना है, आपको लगाना है। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न बताऊंगा दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों तो शुरू करेंगे आज हम इन प्रश्नों को। उससे पहले आप सभी दोस्त इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दें, साथ ही जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं यदि आप डेली लाइव क्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे प्रश्नों से। आज जो हमारे प्रश्न आने वाले हैं उनसे आज हम मिलते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों आपके प्रश्न आ चुके हैं, ये रहा पहला प्रश्न। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, उत्तर आपको देना है। ठीक है, आंसर फिर लास्ट में मैं भी बताऊँगा। 2 से 3 सेकंड का समय आपके पास रहेगा, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, उत्तर सही उत्तर बताना है। ठीक है, अगर नहीं फिर हम आपको सही आंसर बताएंगे तो आप क्या करेंगे मिलाना। देखिए, केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जल्दी से सही कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। हाँ दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दें, 2 से 3 सेकंड में आपको कमेंट करना है, नहीं तो हम आपको सही आंसर बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1600 ईस्वी में। अगला देखिए, कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ कब हुआ था ये आपको बताना है, कौन सा अधिवेशन में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूरत अधिवेशन। 2 नंबर आपका सही होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जो आपके प्रश्न हैं वो भी बताने वाला, तो पूरा देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। भारत में संविधान, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है यह आपको बताना है। तो सभी दोस्त कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 395। चलिए आगे बढ़ते हैं, हथियारों की दौड़ का संबंध है। हथियारों की दौड़ का संबंध है दोस्तों किससे होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आतंकवाद से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे जोड़ी की, सॉरी खालिस्तान की। खालिस्तान देखेंगे दोस्तों, खालिस्तान जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपका जो पार्ट छूट चुके हैं उनसे कोई क्वेश्चन आपका आज
नहीं आने वाला है इसमें, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है, जो आपका न्यू ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर है। अच्छे से देखिएगा, लगाइएगा। वंदे मातरम गीत की रचना ने की, वंदे मातरम गीत की रचना ने की, किसने की? तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, भर देना इसका लिस्ट, नोट कर लेना। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का शासक होता है, तो इसमें आपका जो होता खालिस्तान है इसमें आ जाएगा नाम मात्र का। अगला देखिएगा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण ने किया, किसने किया? प्रोफेसर मॉरिस। अगला देखिए, स्व सहायता में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। अगला देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण नियम में लागू किया था, कब किया गया था? 1986 में। ये आपके उत्तर थे दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। देखिए, देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? देखिए ये कौन सा है? कच्छ है। कौन सा है दोस्तों? कच्छ, ठीक है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं कच्छ। और 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? देखिए 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से कब और कहाँ से शुरू हुई? तो बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी कब? 29 मार्च 1857। 30 अप्रैल, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से, बताओ जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, कौन सा है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1951, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से आप देख सकते हैं। और वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उसको हम उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, लिख लेना। चलिए आगे बात करेंगे हम जोड़ी की। देखिए, चक्रवात के सबसे अधिक असुरक्षित क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये किसने चलाया था? महात्मा गांधी। कोणार्क सूर्य मंदिर, इंडिया बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहलाता है। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण से मिला देंगे। आगे बढ़ जाते हैं सत्यासत्य की ओर। खतरा बराबर संकट इंटू क्षमता बटा असुरक्षा, तो ये असत्य है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। अगला देखिएगा, पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है? जी नहीं, ठीक है, असत्य। अगला देखिएगा, जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है? बिल्कुल सत्य। चिटफंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास है? बिल्कुल सही। 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही, ठीक है, 2 सत्य 3 सही। अगला देखिएगा, अब देखिए 25 नंबर के मैंने बता दिए हैं, अब यह आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। मृदा प्रदान से क्या तात्पर्य है? संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, अगले बिल्कुल सारे प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, और यदि इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल कोई आपको फेल कर नहीं सकता। एक एक प्रश्न को याद कर लेना। देखिए, आपदा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। राज्यपाल की 2 प्रमुख विधायी शक्तियाँ लिखिए। बैंक तथा गैर बैंकिंग, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, कालाबाजारी किसे कहते हैं, नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए समझाइए। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 3 कारण लिखिए। मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, कोई 3 लिखिए। ATM क्या है, इसके लाभ लिखिए। रबी और खरीफ की फसल में अंतर, कोई 4। 1857 संग्राम के प्रमुख 4 कारणों को उल्लेख कीजिए।
बिल्कुल। और जितने भी दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं दोस्तों, आज का वीडियो यदि थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की लाइव क्लास यदि आप पाना चाहते हैं, और जो भी दोस्त नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे सभी सब्जेक्ट की। देखिए, संविधान सभा का परिचय दीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, संविधान का क्या महत्व है लिखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना है, फिर कैसे नहीं आपको 90% बनते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान में, गारंटी है। लेकिन सारे प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, उपभोक्ता के कर्तव्य लिखिए, मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ये बंगाल की खाड़ी, कन्याकुमारी, छोटा नागपुर का पठार, नीलगिरी, ये दर्शाना है आपको। एक नक्शा दिया जाएगा, उसमें दर्शाना रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न, मौसम मानचित्र की 5 विशेषताएं लिखिए, बाढ़ आपदा को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए, घर में आग से बचाव के उपाय लिखिए, दोस्तों ये आज के प्रश्न थे आपके, जो मैंने आपको सारे ही बता दिया। देखिए, मुख्यमंत्री के 5 कार्य, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना जो आज मैंने बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे बताइए आप सभी जल्दी से कमेंट करके कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहें और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और यदि वीडियो पसंद नहीं आया हो दोस्तों, तो ऐसा वीडियो अब लेकर आपको नहीं आएंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी दोस्त नए आए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव क्लास के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। और किसी भी दोस्त का कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकता है, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।